तहसील के बाबू का रिश्वत लेते का हुआ वीडियो वायरल। तहसीलदार ने किया नोटिस जारी, लिखा कारण बताओ नहीं तो किया जाएगा निलंबित। शिवपुरी जिले के बदरवास तहसील के एक बाबू द्वारा रिश्वत लेते का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में बाबू किसान से खाते की नकल के नाम रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। तहसील के बाबू का वीडियो वायरल होने के बाद तहसीलदार ने बाबू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक वीडियो बदरवास तहसील का बताया गया है। उक्त वीडियो में तहसील में पदस्थ ग्रेड 3 बाबू जितेंद्र शर्मा जमीन की नकल को लेकर किसान को सही रास्ता बताते हुए सही पैसे देने की बात कर रहे हैं। वीडियो में किसान बाबू जितेंद्र शर्मा को जमीन की नकल के एवज में 1,000 रुपये देने को हाथ में लिया खड़ा है, लेकिन बाबू जितेंद्र शर्मा उससे अधिक पैसे बढ़ाकर देने की बात कर रहे हैं। इसके बाद किसान ने कुछ पैसे अपने बटुआ से निकाल कर बाबू को देने का प्रयास करता है, जहां बाबू किसान के पैसे घी खा कर की बात कहे हुए जेब में रख लेता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। रिश्वत के पैसे की वीडियो किसी व्यक्ति द्वारा बना लिया जाता है। इसके बाद अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कारण बताओ नोटिस जारी। वीडियो वायरल होने के बाद बदरवास तहसीलदार ने बाबू जितेंद्र के इस वीडियो वायरल मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में लिखा है कि आपके द्वारा आवेदकों को दस्तावेजों की नकल प्रदाय करने के एवज में रुपए की मांग किए जाने का वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें आपके द्वारा रुपए की मांग की जा रही है। उपरोक्त वीडियो का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टता आपके द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना प्रतीत होता है। शासकीय कार्य के प्रति रुपए की मांग की जाना शासकीय सेवक के कदाचरण को दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि आपका यह कृत्य शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता एवं स्वच्छता चारिता का घोतक है। क्यों ना उक्त कृत्य के लिए आपके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। इस संबंध में आप अपना जवाब अधो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर तत्काल प्रस्तुत करें। जवाब प्रस्तुत न करने एवं संतोषजनक न होने की दशा में निलंबन करने की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।